हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया अपडेट देने वाली हूं, जो कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स किया है, जिसमें आपका ओटी टेक्नीशियन, ऑडिटरी टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, सीएसएसटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ईटीसीटी, ईसीजी टेक्नीशियन, बहुत सारे टेक्नीशियन का कोर्स किया जाता है। तो लगभग बहुत सारे टेक्नीशियन का अभी जो है गवर्नमेंट वैकेंसी निकला हुआ है, और गवर्नमेंट अगर जॉब पाना चाहते हैं तो आप सभी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाइए और जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करिए। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं कि कितना सैलरी रहेगा, कितना पोस्ट है, और यहाँ पर कितना एज लिमिट है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो पहला कोर्स है ऑडिटरी टेक्नीशियन। तो आपका जो ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन जो है, इसका जो पोस्ट है बस एक है, यानी एक सीट है इसका, और इसकी जो सैलरी है वो 48,852 है, ठीक है, 48,852 रुपये। और एज लिमिट जो है वो है 21 से 35 साल। और जो एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, वो है कि आपको स्पीच एंड हियरिंग इस डिपार्टमेंट में आपको बीएससी डिग्री होना चाहिए, वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, जो कि क्या हो कि ऐसा नहीं कि आप कहीं से कर लिए हों और वो रिकॉग्नाइज्ड ना हो। तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपको जो है बीएससी डिग्री लेना होगा स्पीच और हियरिंग में। बीएससी आपका जो है स्पीच और हियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। और क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो ईएनटी में होना चाहिए, ईएनटी हॉस्पिटल में। इसके बाद नेक्स्ट है कैथ लैब टेक्नीशियन। इसमें तीन पोस्ट हैं और 48,852 रुपये सैलरी होगी, और इसमें जो है एज लिमिट 21 से 30 साल है, और इसमें जो है 10+2 यानी 10th और 11th 12th ये सब होना चाहिए आपका, आपका वो भी साइंस से होना चाहिए, और कैथ लैब में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस में 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। इसके बाद नेक्स्ट है सीएसएसडी टेक्नीशियन, जिसमें 2 पोस्ट हैं और 48,852 रुपये पर मंथ सैलरी है, 21 से 35 साल इसमें एज लिमिट है, और बीएससी होना चाहिए आपका माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। सीएसएसटी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। स्टाफ नर्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीएसएसटी में और 200 बेडेड हॉस्पिटल में। फिर आपका जो है थिएटर असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए, और ये सब है कि आप स्टाफ नर्स का की हैं, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी किए हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी में और 3 साल का एक्सपीरियंस है सीएसएसडी में, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा इसमें एलिजिबिलिटी है सीएसएसडी टेक्नीशियन के लिए कि थिएटर असिस्टेंट का कोर्स किया है आपने और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है सीएसएसडी विभाग में और 200 बेडेड हॉस्पिटल में आपने काम किया है, तो इन तीनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है और एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डायलिसिस टेक्नीशियन, जिसके 4 पोस्ट हैं, सैलरी वही सेम है और एज भी 21 से 30 साल है। डायलिसिस टेक्नीशियन में आपको डायलिसिस टेक्नोलॉजी में आपको डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और अगर आपने डिप्लोमा किया है डायलिसिस टेक्नोलॉजी में तो 2 साल का आपके पास 2 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है, उतना आपको करना है रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से या फिर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से। अगर आप ये कोर्स किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईसीजी लैब टेक्नीशियन, तो इसमें 2 पोस्ट हैं, सैलरी वही सेम है और एज लिमिट है 21 से 30 साल, और जो इसका एलिजिबिलिटी है वो है 10+2 विद साइंस, यानी साइंस से आपका होना चाहिए 10+2, और इसमें आपका है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का आपका जो डिप्लोमा है ईसीजी टेक्नीशियन में वो होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए तो 10+2 विद साइंस है आपका, और आपके पास क्या है 10+2 अगर आपका ईसीजी टेक्नीशियन से है, यानी ईसीजी लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है अगर आपने वो 2 साल में किया है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईईजी लैब टेक्नीशियन,
तो इजी लैब टेक्नीशियन के लिए क्या है, एक सीट है आपका, एक पोस्ट है और इसमें सैलरी वही सेम है और 21 से 30 साल आपका उम्र होना चाहिए और 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए और 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए ईईजी टेक्नीशियन में या ईएमजी टेक्नीशियन में, ठीक है, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आप खुद से सर्टिफिकेट बना लिए, कोई इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, और प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। अब नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो ऑप्टोमेट्री वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट है यहाँ पे और सैलरी वही है सेम जैसा सबका है, 21 से 35 साल उम्र है और बीएससी होना चाहिए आपका ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स में और आपका जो है ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और प्लस में आपका 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जिसमें 5 सीट हैं और इसमें जो सैलरी है वो सेम है 48,852, 18 से 35 साल इसमें उम्र है, 18-35 जो है वो एज है और इसमें बीएससी होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में, ओटी टेक्नोलॉजी जो है उसमें बीएससी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी ये है कि 10+2 होना चाहिए आपका साइंस से और वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट है आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें है कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने ट्रेनिंग जो है एक अच्छे इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो हॉस्पिटल से किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10+2 किया है आपने साइंस से और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीयू टेक्नीशियन, इंटेंसिव केयर यूनिट टेक्नीशियन, 5 सीटें हैं और इसमें सैलरी वही है और एज लिमिट 18-35 है। जो आपका ओटी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबिलिटी दिया गया था वही सेम आईसीयू टेक्नीशियन के लिए भी है। अब आपका है ट्रॉमा इमरजेंसी टेक्नीशियन यानी ईटीसीटी के लिए, तो इसमें आपका क्या है 5 सीट है और जो सैलरी है वो सेम है और जो एज लिमिट है वो आईसीयू टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन की तरह ही है और जो क्वालिफिकेशन है वो सेम जो है आपका ओटी टेक्नीशियन की तरह है कि बीएससी करे हों तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी यानी बीएससी आईसीयू टेक्नीशियन से किए हैं, ईटीसीटी से किए हैं, ओटी से किए हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें है कि और क्या था आपका कि 10+2 साइंस से होना चाहिए और आईसीयू टेक्नीशियन का अप्लाई कर रहे हैं तो आईसीयू में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ईटीसीटी यानी ट्रॉमा इमरजेंसी टेक्नीशियन कर रहे हैं तो उनके पास 10+2 से होना चाहिए, 10+2 साइंस से होना चाहिए और उनके पास भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीएससी किया हो उन्होंने ट्रॉमा इमरजेंसी टेक्नीशियन में तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफ्यूजनिस्ट, तो इसमें 2 सीट निकले हैं, सैलरी वही है और एज है 21 से 30 साल, बीएससी डिग्री होना चाहिए आपका परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से और इसमें जो है आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि 2 सीट निकला है इसमें और सैलरी वही है 48,852 और एज है 21 से 30 साल, 10+2 होना चाहिए साइंस से जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री लिया है आपने फिजियोथेरेपी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, तो इसमें 25 सीटें हैं और इसमें जो आपका सैलरी है वही सेम है और जो एज लिमिट है वो भी सेम है 21 से 35 साल और इसमें क्या होना है कि बीएससी अगर आपका होगा रेडियोथेरेपी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका डिप्लोमा है रेडियोथेरेपी से तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है कुछ सीटें जो कि निकली हैं सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे टेक्नीशियंस की, जिसमें आप अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं और सैलरी भी धीरे धीरे हो सकता है बढ़ाया जाए और जितना है अभी उतना भी काफ़ी है, तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये कल ही इसका फॉर्म निकला है, वैकेंसी जो है वो कल से स्टार्ट हुई है निकलना यानी 11 जुलाई से, तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने कितने पोस्ट थे, कितना सैलरी है, कितना एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये डिस्कशन किया है इस वीडियो में।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।